रॉ आवाज है आपकी, रॉ सुर लगते हैं, कुछ रॉ बातें भी की हैं आपने, आइए देखते हैं। आ जाओ, आ जाओ, लॉक कर दो। बंद कर दो। तो फिनाले नजदीक आ चुका है, ठीक है, आपको कौन लग रहा है विनर बनना चाहिए, बन सकता है? वो विनर तो मैं हूँ। कैसे? बनने के लिए आया है अभी, मुझे 100% पता था कि मैं पहुंच जाऊंगा फाइनल तक, मैं बिना सीखे मैं रट्टा मार के मैं यहाँ तक पहुंचा। मुझे कोई आइडिया नहीं है कि मतलब गाने में कि ये गाने से ये होगा कि ये शाहनी दाबा ये करके, मैं ये सब नहीं जानता हूँ। मुझे इतना पता है कि बस मुझे गाना है और मैं सबका दिल जीतना है बस। वोटिंग के हिसाब से निष्ठा भी अच्छे है उसका शायद, अच्छा है वोटिंग के हिसाब से मैं भी जीत सकता हूँ। मेरा मतलब मेरा भी सपोर्ट बहुत है, मतलब वहाँ से जीतने। आप कॉन्फिडेंट हो? फुल कॉन्फिडेंट। किससे लग रहा है कि ये मुझे हरा सकता है? टफ कॉम्पिटिशन शायद निष्ठा सकता है। क्यों? सुना है उसका बहुत सारा है, मतलब वो क्या क्या उसका फैन फॉलोइंग होता है, बहुत नॉलेज है उसके पास और बहुत अच्छी गाते हैं, मैं भी कम नहीं थी, गाना अच्छे मिला था अच्छे करना। जैसे कि तुम हो और स्नेहा है, समझो क्यों तुम जीतना चाहिए और स्नेहा नहीं जीतना चाहिए? उसका मेरा जॉनर अलग है, बोले तो वो थोड़ा रॉक टाइप का गाना गाता है। मैं भी यही मानता हूँ कि जो संगीत यही है कि जो दिल से निकला हुआ चीज किसी के दिल पे लगे, बस ये लोग इतना प्यार भी देता है मुझे। स्नेहा जीतेगी तो चलेगा? नहीं चलेगा। क्यों? क्यों? मैं आया हूँ यहाँ पे। Love is honesty. Oh my God. स्नेहा जीतेगा तो चलेगा, नहीं चलेगा मैं आया हूँ जीतने के लिए। कोई भी जीतेगा नहीं चलेगा हमको, सिर्फ मैं आया हूँ, मैं आया हूँ, मैं दिल से गाता हूँ। Wow. All of you all heard this, ना? और चारों का दिल से क्या कहना है? इसने बोला मैं यहाँ आया हूँ, मैं जीतने आया हूँ, मैं ही जीतूंगा, क्या कहना है आपको? हम खुद अल्बर्ट भैया के गाने सुनते हैं एंड मैं खुद एक फैन हूँ आप बोल सकते हैं उनके गाने के, क्योंकि वो बहुत दिल से गाते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि वो फाइनल तक आ जाने के बाद उनमें थोड़ा ओवर कॉन्फिडेंस आ चुका है। ओवर कॉन्फिडेंट एक्चुअली, ये कॉन्फिडेंट मैं जब यहाँ पर पहला ऑडिशन दिया था तब से कॉन्फिडेंट लेके आया हूँ, क्योंकि मुझे जानता था कि मैं पहुँचना ही है और फाइनल में जाना ही है, मैं ये सोच के आया था एक्चुअली। हाँ सही बात है। अगर आप जीतने वाले आपके थे, साथ मेरा चैलेंज होता तब जरूर करता, क्यों नहीं करता? तब जॉनसन को हरा के यहाँ से निकाल दिया, आपसे भी करता। तुमने बोला कि अगर तुम दोनों टकराए तो क्या होगा, यू ऑनेस्टली फील यू कैन आउट स्मार्ट हिम? सर मैं भी यहाँ पर जीतने के लिए ही आई हूँ, तो बोलो ना खुल के। सो अगर चैलेंज होता है तो मैं भी इनको हरा सकती हूँ। इसका तुम बोलो, मैं श्रेया की बात समझ गया, तुम बोलो। आप तुमने पूरी बात सुन ली है, उन्होंने उसने कुछ बोला भी कि मुझे निष्ठा से थोड़ा बहुत लगता है। इसी बात से पता लगता है सर कि उनमें बहुत सच्चाई है, क्योंकि वो पूरा कॉम्पिटिशन देख रहे हैं। ओ, तो निष्ठा का कहने का मतलब है कि और कोई कॉम्पिटिशन है ही नहीं। हाँ मैं बस नहीं, अरे निष्ठा नहीं, दो ही लोग हैं। नहीं निष्ठा फिर भी मैं जीतूंगा उसने बोला। सर देखिए ना, अभी टॉप 5 में भी 4 लड़कियां हैं और एक ही लड़के है जो कि अल्बर्ट है, तो मुझे लगता है फिनाले में भी कोई लड़की ही लेकर के चली जाएगी और पता भी नहीं लगेगा, तो वो इट कैन जस्ट हैपन लाइक अ ब्रीथ ऑफ एयर। सोनिया तुमसे भी एक सवाल है, अल्बर्ट ने बोला मैं यहाँ आया हूँ जीतने के लिए, मैं जीत के जाऊंगा, तो चारों की कोई गिनती उसकी नजर में नहीं है वो लग रहा है, तुम क्या सोचती हो कि जब ये बोलता है मैं जीत के जाऊंगा, व्हाट इज योर फीलिंग?
हमने भी बहुत मेहनत करके इतना कंपटीशन लड़ के आज टॉप 5 के सीट पर बैठे हैं, तो इतनी आसानी से आपको वो विनर की ट्रॉफी लेने नहीं देंगे। पूजा, आपको क्या लगता है, क्या अल्बर्ट जीतेंगे? सबसे पहले तो अल्बर्ट को मैं कांग्रेचुलेशन करना चाहूंगी, एक लड़का चार बंदी पे भारी। और अल्बर्ट जैसे कि मेहनत करता है, मुझे बहुत अच्छा लगता है, इतना मेहनत करके वो इतना यहाँ पे आज अकेले खड़ा हुआ है। मैं बहुत खुश हूँ अल्बर्ट के लिए। मैं चाहती हूँ पक्का आप ये ट्रॉफी पहाड़ पे लेके जाए और हमारा कालिंगपुंग का नाम रोशन करे। आप जो भी कर रहे हो, हमारा बेटी आपको ब्लेसिंग्स दे रही है, बस थैंक यू। थैंक यू पूजा, ऑल द बेस्ट अल्बर्ट, अल्बर्ट के लिए जोरदार थैंक यू।